नमस्कार दोस्तों, मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हमको दांत निकलवाने चाहिए तार के इलाज में। मेरे दांत तो थोड़े से बाहर हैं, क्या मुझे दांत निकलवाने पड़ेंगे, क्या ऊपर के निकलवाने पड़ेंगे, नीचे के भी निकलवाने पड़ेंगे दांत? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आपके दांत बाहर हैं और क्या आपको दांत निकलवाने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। देखिए, आप सबसे पहले रिलैक्स्ड खड़े हो जाइए आईने के सामने, बिल्कुल सीधा देखिए आईने के सामने और आम बोलिए। आम आम बोलते समय जो आपकी ठोड़ी है, इसको सामने नीचे से थोड़ा थोड़ा मसाज कीजिए। इस एरिया में देखिए, ये इस एरिया में हल्का हल्का मसाज करेंगे। आम आम छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आम बोलने के अंत में, और इसका मसाज भी बंद कर दीजिए, इसके अंत में यदि आपके होंठ खोले हुए रहते हैं तो समझ जाइए कि गड़बड़ है। परंतु आप देख सकते हैं कि लगभग 2 से 3 मिलीमीटर अगर खुले हुए हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत बाहर नहीं है, निकलवाने की आवश्यकता हो सकता है ना पड़े। परंतु अगर 3 मिलीमीटर से ज्यादा खुले हुए दांत हैं तो आपके दांत बाहर हो सकते हैं और आपको दांत निकलवाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कैसे कि 2-3 मिलीमीटर है, तो उसके लिए आप सिक्के ले लीजिए, 2 साफ सिक्के ले लीजिए धो के। और जब आप आम बोलते हैं और यदि आपके होंठ खुले हुए हैं तो ये देख लीजिए, 2 सिक्कों को, ये 2-2 के सिक्के लिए हैं मैंने, इसको लेके आप होंठों के बीच में यदि गैप बन रहा है तो इसको होंठों के बीच में रखें। यदि इनसे ज्यादा गैप है तो दांत निकलवाने की संभावना है, यदि इससे ज्यादा गैप नहीं बनता है तो दांत निकलवाने की संभावना नहीं रहती। ये एक क्रूड तरीका है, बाकी और जो तरीके रहते हैं एक्सरेज वगैरह और डॉक्टर के साथ में क्लिनिकल कंसल्टेशन या क्लिनिकली क्लिनिक में जाकर दिखाना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। परंतु एक क्रूड तरीका मैंने आपको बताया है कि आप कैसे घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपको दांत निकलवाने की आवश्यकता है या नहीं है। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।